नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप यूनिक टॉपिक को सर्च कर सकते हो, वो भी गूगल की मदद से, और अपने वेबसाइट पर आप ट्रैफिक कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो गूगल का ही एक टूल है। तो आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल क्वेश्चन हब। तो आपको यहाँ सर्च करना है गूगल क्वेश्चन हब, और आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन हब विद गूगल आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉन्च क्वेश्चन हब पर, और यहाँ पर आपको उसी जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर उसी जीमेल को यूज़ करना है जिसमें आपका कोई भी वेबसाइट जो है वो डाला हुआ है, क्योंकि ये सर्च कंसोल से ही आपके वेबसाइट को देखेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक वेबसाइट चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट, फिर गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखना है, मतलब जिससे रिलेटेड आपका वेबसाइट है, उसके बाद आपको सर्च करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लॉगिंग से दो ब्लॉगिंग आ गया, एक ब्लॉगिंग और दूसरा फूड ब्लॉगिंग। तो मैं ब्लॉगिंग को ऐड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ब्लॉगिंग से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपको टॉपिक को सर्च करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पर बैक हूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं टॉपिक पर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे नज़र आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल गया कि हाउ मेनी जॉब्स ऑन एवर 41 ईयर्स गवर्नमेंट इंडिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस टॉपिक पर, मतलब आप आर्टिकल लिख सकते हो। उसी प्रकार अगर मैं ब्लॉगिंग टॉपिक पर सर्च करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि हाउ टू क्रिएट रैंडम टेक्स्ट HTML इन ब्लॉगर, फिर आपको हाउ टू शो माई ब्लॉगर प्रोफाइल इन गूगल सर्च। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी भी क्वेश्चंस कम है तो आप यहाँ पर और भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, फिर से 10 क्वेश्चंस को ऐड कर देगा। ठीक है, उसको देखो ये एक टॉपिक है, बेस्ट नेम ऑफ ब्लॉग ऑन दिवाली। अब मान लेते हैं कि आपने किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिख लिया, और आर्टिकल लिखने के बाद अब आप क्या कर सकते हो कि आपको तो एक कीवर्ड भी मिल गया, मतलब आप देख लो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कीवर्ड भी है, आप उस टॉपिक पर आर्टिकल लिख लो। आर्टिकल लिखने के बाद आप यहाँ पर जो है यहाँ आकर आंसर को सबमिट कर सकते हो। अब आपने जहाँ भी आर्टिकल लिखा है, अपने आर्टिकल का लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो गूगल क्या करेगा कि ये आपका जो आंसर है उसको गूगल सर्च में भी दिखाएगा। तो इस तरह से आप जो है फ्री में अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक्स नज़र आ रहा है वो मतलब ऐसे टॉपिक हैं जिनको लोग मतलब सर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके वेबसाइट पर थोड़ा बहुत सर्च जरूर आएगा। अगर आप कुछ और क्वेश्चन चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड क्वेश्चंस करके आप मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो, और उसमें से जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको आप एक बार कीवर्ड चेक कर लो। अगर आपके पास HRF टूल है तो आप HRF में चेक कर सकते हो, या फिर आप ऊबर सजेस्ट में चेक कर सकते हो, वहां से देख लो कि इसका सर्च वॉल्यूम है कि नहीं। उसके बाद आप उस टॉपिक पर जो है आर्टिकल लिख सकते हो, और आर्टिकल लिखने के बाद आप यहाँ पर उसको सबमिट भी कर दो, ताकि आपके आर्टिकल पर जो गूगल के द्वारा भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक मतलब आ सके। तो दोस्तों, ये गूगल का एक नया टूल है जिसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, बस आज का इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, और वैसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो बस दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।